सर्विस यानी लेबर चार्जेस के बजट में, लेकिन हमारे पास वो माइंडसेट अभी तक चैनल में और इस पैनल में आपको क्लियर विविड डिफरेंस नजर आना शुरू है, ताकि हम इसको कलर मैच करवा सकते हो। 10 बज गए लेकिन करोला डिलीवर करनी है आज। ये बॉयज आर स्टिल एट इट। साइड स्कर्ट्स अभी पेंट से रह गए हैं, वो अभी होने हैं अलग, बट अब बम्पर्स दिखाता हूँ। बाकी व्हील अलाइनमेंट से भी होके आ गई है गाड़ी। व्हील अलाइनमेंट इज डन, व्हील बैलेंसिंग इज डन। इसकी सीट्स वगैरह भी, कैबिन इसकी कैबिन डीप क्लीनिंग हुई है, अपोस्ट्री भी सारी साफ हुई है, सीट्स के जो चैनल्स रीलिंग्स थे वो भी सब सर्विस हुए हैं, दे वर क्लॉग बुरी तरह। ये अंदर भी अल्ताफ जी अपने टूल्स उठाओ, पहले जमा करो बेटा। बम्पर्स भी अपने रेडी हैं, जो एक्स करोला एक्स वाले बम्पर्स हैं वो दे आर ऑल्सो रेडी, सभी फिटमेंट पे आएंगे। लेकिन अब एक देखो, एक एरर आ गया छोटा सा, जैसे अब बुला के करेक्ट कराना पड़ेगा। ये देखो, ये टेप असल में जल्दी में उतार दिया गया, ये पूरी लाइन इसकी। इसलिए अब इसको रीडू होने के सिवा और कोई हल नहीं है इसका, क्योंकि ये टेप लगे और फिर ये दोबारा से स्प्रे हो, टचअप होएगा पैनल। बट जल्दी में हुआ, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए था, बट अब तो हो गया। कैबिन डीप क्लीनिंग भी इसकी कर लिया वो इसने, वॉश इन प्रोग्रेस है। चेक करो कैबिन अंदर से कितना भी साफ सुथरा हो गया। कुछ अभी स्टेन्स हैं, ये डैशबोर्ड वकास, ये भी डैशबोर्ड का पैड नहीं किया ना सर? हाँ हाँ, अच्छा उसके निशान है ये। फिर भी पॉलिश मार के फिर साफ करके लगा देना बिल्कुल, तो यार जानी आ जाए, फड्डा बहुत सख्त है। Let's see how it turns out. देखते रहो भाइयों। रात के हो गए आज भी 1:25, so that's 1:26 minutes past 1 AM. और कल वीकेंड था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड था, इसीलिए पुश की अगेन, she's here from all the way from हैदराबाद, इसलिए ज़रूरी था कि आज ये बिल्कुल अलाइन होकर पूरी वजह। हाउएवर हम ये बम्पर साइड स्कर्ट ये चीज़ें पॉलिश नहीं कर सके, वी कंपाउंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बट मैं पॉलिशिंग से 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट लड़कों ने बहुत बहुत खुश किएगा, मैं क्लाइंट को एक बार और बुलाऊँगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिश ऑफर करूँगा। आई एम नॉट टू हैप्पी विद द पॉलिशिंग ऑफ द बॉडी, but we were in such a rush to give bahut zyada kaam tha, and we had 3 days, it was one was a Friday aur so I'm looking insane, she looks so much better, mashallah. aaj ki kahani बाकी की कहानी मंडे को करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पॉडकास्ट।
तो बॉयज करोला तो आप लोगों ने देखी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसी लगी, चेंज ओवर उसका कैसा लगा, थोड़े से चेंजेस किए उसके अंदर। रिव्यूज हम लोग क्लाइंट से नहीं करते, शायद हमारी शर्म कह लो थोड़ी सी, वैसे ही वी थिंक ये शो ऑफ होता है, क्योंकि अगर बैड रिव्यू होगा तो हम शो क्लाइंट खुद ही बताएगा कि वो बैड रिव्यू है और अच्छा नहीं है काम। तो इसलिए मेरा अपना ज़ाती बिलीव है कि मुझे एक दो लोगों ने डीएम किया इंस्टा पर क्या क्लाइंट रिव्यूज डाला करो, मेरा ज़ाती मानना यह है कि इफ द क्लाइंट डजंट सेज एनीथिंग ही इज हैप्पी, और किसी को कहना, अगर कोई इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो खुद अप्रिशिएट कर रहा होगा, देन दे हैप्पीली आस्क हिम कि मैं आपके इस रिव्यू को रिकॉर्ड कर लूँ और अपने फ़ोनों को वीडियो बनाने से पहले साइलेंट कर लूँ, वो भी मुमकिन नहीं हो पाता। बट येस द करोला हैज चेंज ड्रास्टिकली, माशाल्लाह। क्यों ड्रास्टिक चेंज, मैं बार बार कहता हूँ ये चेंज नहीं आना चाहिए, देयर इज नो रीजन के गाड़ी मेंटेनेंस के बाद बहुत मैसिव चेंज आए। क्यों नहीं आया मैसिव चेंज, क्योंकि अगर एक गाड़ी अपने टाइमलाइन के मुताबिक अगर वो मेंटेन होती आ रही होगी तो उसके अंदर कभी वो वैसे ही चलती रहेगी जैसी वो चल रही थी। हाँ, ये तो ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कोई फॉल्ट आ जाए गाड़ी में, लेकिन वो फॉल्ट की नॉइज सेपरेट होगी, लेकिन जो अमूमन हमारे पास अमूमन गाड़ियाँ जो हैं वो मल्टीपल फॉल्ट के साथ चल रही होती हैं, और हमारे पास हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट कैटेगरी है उसके हर कोई इस बात को मानता है कि अच्छा सर्विस वो है जो थोड़े से पैसों में फिक्स कर दे। देखो भाई, थोड़े से पैसों में होता है क्विक फिक्स, बट ये बात याद रखो कि हर गाड़ी का सिस्टम, ऑलमोस्ट हर सिस्टम, मतलब ऐसा सस्पेंशन इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट अगर सस्पेंशन बुरा रहेगा तो इंजन के ऊपर अनवारंटेड वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके शॉक सस्पेंड खराब है तो एक्सल के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, और इंजन के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है टू बिल्ड पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर वो ज़्यादा रहेगी तो इंजन को काइनेटिक ज़्यादा बनानी पड़ेगी, इन एडवर्टेंटली जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हम लोग कहते हैं ना फ्यूल माइलेज, फ्यूल अच्छा नहीं हो रहा, हमें प्लग चेंज कर ले, फ्यूल अच्छा नहीं हो रहा, अगर आपके शॉक्स बुरे हैं, स्प्रिंग्स बुरे हैं, चारों बिल्कुल एक्सल लोड्स आपके बहुत हैवी है, तो भी आपका फ्यूल माइलेज, आपका जो फ्यूल बर्न है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज की इस पूरी कहानी को इधर एंड करते हैं विद बेस्ट ऑफ द विशेस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रिमेंबर मी एंड माय एंटायर टीम एंड योर फ्रेंड्स, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गो अहेड एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो, सेलेक्ट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल वीडियोस तो यू इंस्टेंटली नोटिफाइड of all our latest uploads right away. अगर आपको content अच्छा लगा हो तो हमारी बाकी profiles को भी follow करिएगा, Instagram के ऊपर, Facebook के ऊपर, we're also on TikTok all by the name of Pakistan Auto Technics, follow us there. जल्द हम लोग tip videos भी अपनी restart करने वाले हैं, जो आपको बहुत फायदेमंद होगी आपकी everyday everyday of owning an automotive. So stay tuned, keep watching Fat Customs and keep loving, keep spreading love. Thank you for watching. Allah Hafiz.